ही कैन हेल्प यू फुल स्टॉप। अब विद इन ब्रैकेट सिंपल इज रिटन, ब्रैकेट के भीतर में सिंपल लिखा हुआ है। वो बहुत अच्छा है, वह आपकी सहायता कर सकता है। ठीक, अब इसी दोनों को सिंपल बनाना है। ठीक, तो आप लोग एक रूल है हमेशा दिमाग में रखना कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि दो में से किसी एक वाक्य में टू भी वर्ब आया है। एक रूल जो है पार्ट वन में जो है इससे रिलेटेड मैं बता दूंगा, इसके पहले वाले पार्ट में मतलब, और दूसरे में कैन आया हुआ है, नॉट नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जब किसी एक वाक्य में टू बी वर्ब हो और दूसरे में कैन या कुड हो, नॉट हो या ना हो, ठीक, तब भी ऐसे वाक्यों को भी इन्फिनिटिव के द्वारा ही जोड़ा जाएगा और किसी अन्य विधि के में भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जैसे इसके पहले रूल बताए थे, रूल थर्ड, थर्ड में बताए थे कि टू बी वर्ब हो कैन नॉट कुड नॉट हो, तब ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय टू डॉट डॉट टू का प्रयोग बोले थे कि करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, और टू का प्रयोग इसलिए बताए थे क्योंकि कैन या कुड के बाद यहां पर नॉट आ रहा था, और अब कैन या कुड के बाद में नॉट नहीं आ रहा है, इसलिए टी डबल ओ टू नहीं आएगा। ठीक, अगर इस तरह का सेंटेंस मिलता है और सिंपल बनाने को कहा जाता है, तब इन्फिनिटिव से जोड़ोगे, वो भी ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय एनफ टू का यूज किया जाता है। एनफ टू हमेशा याद रखना, एनफ टू का यूज करेंगे, टी डबल ओ टू का यूज नहीं करेंगे। टी डबल ओ टू जहां आता है वाक्य को नकारात्मक बना देता है भाव से। ठीक, तो दोनों वाक्य देख रहा हूं सकारात्मक है, ए भी अफर्मेटिव है, ए भी अफर्मेटिव है, तो किसी नकारात्मक शब्द को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए टी डबल ओ टू यहां पर नहीं आएगा। ऐसे वाक्यों में एनफ टू से हम लोग सिंपल बनाते हैं। अब आती है बात कि एनफ टू का यूज कैसे करेंगे। ठीक, तो कभी कभी आप लोग होता क्या है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, तो इस तरह से जोड़ करके आ जाते हैं, ही लिख लेते हो, इज लिख लेते हो, सोचते हो कि जैसे वेरी के जगह पर टू आता था टी डबल ओ टू, उसी प्रकार से वेरी के जगह पर एनफ आ जाएगा, एनफ लिख देते हो, उसके बाद एडजेक्टिव गुड लिख देते हो, कैन के बाद वाली वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हो टू हेल्प यू, और सोचते हो बस सिंपल बन गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो एनफ है, ठीक, एनफ जिसकी विशेषता बतलाता है हमेशा उसी के बाद में लिखा जाता है। जैसे एनफ गुड की विशेषता बतला रहा है तो ये गुड के पहले नहीं आएगा, गुड के बाद में आएगा। एनफ आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। एनफ को कभी आगे मत लिखना। ठीक, इसीलिए बना है एनफ टू, ठीक, कि एनफ और टू साथ ही में रहेगा। और ऐसा होता क्यों है, और देखो एनफ टू आएगा तो वेरी हटेगा नहीं, सोचो यहां पर लाओ वेरी भी लिख लो और गुड के बाद में एनफ टू लिख लो, तो एनफ आएगा तो वेरी वाला भाव लेकर आएगा, वेरी को तो यहां से जाना ही पड़ेगा। ठीक, यहां से वेरी को हटना पड़ेगा और एडजेक्टिव जो भी, जैसे एडजेक्टिव गुड है तो गुड के बाद एनफ टू लगेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों एनफ एडजेक्टिव के बाद में आता है और तो सब एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसके पहले आते हैं। जैसे वेरी था जिसकी विशेषता बतलाता था, जैसे गुड की विशेषता तो वेरी गुड, वेरी आगे आता था। टी डबल ओ टू था जिसकी विशेषता बतलाता था उससे पहले लिखा जाता था ना, टू पुअर वेरी गुड। लेकिन एनफ क्यों, जिसकी विशेषता बतलाता है उसके बाद में क्यों लिखा जाता है, एक क्वेश्चन है।
तो देखो जैसे इसका एसिड फ्लो इज और गुड लिखा जाएगा, वेरी हटेगा और इसी गुड के बाद में एनफ टू हो जाता है, एनफ टू और हेल्प यू। ठीक, तो एक क्वेश्चन है कि एनफ क्यों गुड के बाद में आया, पहले क्यों ना आया, हिंदी में निकालने में तो जा रहा है कि पर्याप्त अच्छा, तो एनफ गुड ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा, गुड एनफ होगा, गुड एनफ होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों में ये हुआ कि एनफ मान लो पहले यहां पर बैठा था, तो इसने सो इससे कहा कि ऐसा है कि आप आ जाओ मेरे घर, तो टू ने कहा कि अगर मैं आ जाऊंगा आपके घर तो यहां पर मैं किसी क्रिया के पहले आकर के उसको नाउन बनाने का कार्य कर रहा हूं, तो फिर मेरा ये नाउन बनाने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। तो एना कहता ठीक है, अगर तो कोई कार्य कर रहा है तुम्हारे आ जाने से मेरे आप काम बिगड़ जाएगा, नाउन बनाने का कार्य किसी को कर रहा नाउन नहीं बना पाएगा, तो मैं एडजेक्टिव हूं और मैं एडजेक्टिव तो आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है। ठीक, तो इसलिए कहा चलो ठीक है अगर तू नहीं आ सकता मेरे घर तो मैं ही आ जाता हूं तुम्हारे घर। ठीक, तो इसीलिए एनफ गुड के पहले ना आकर के टू के पास चला जाता है। ठीक, और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आगे भी बैठ करके विशेषता बतला लेता है, पीछे भी बैठ करके विशेषता बतला लेता है, तो इसीलिए इससे कुछ गड़बड़ नहीं होना है, यही कारण है कि एनफ और टू दोनों एक साथ आते हैं। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तब हमेशा याद रखना सब्जेक्ट जो का क्यों लिखना, इज लिख लेना और बेरी को हटाना पड़ेगा क्योंकि एनफ टू आएगा, एनफ आएगा लेकिन बेरी की जगह पर नहीं आएगा, इसको भी ध्यान देना, और एडजेक्टिव उतार देना गुड और इसी गुड के तुरंत बाद में एनफ, उसके बाद टू एनफ टू लिखा लिख लेना और अगले सेंटेंस की कैन फुट के बाद में जो बन रहेगी उसको उतार देना, इन्फिनिटी पर उधारण कर लेगी, आगे जो है जो करते उतार देना, इस प्रकार से आपका सिंपल बन जाएगा, ये सेंटेंस आपका सिंपल है। क्यों, क्योंकि इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक वर्ब है वो है इज, और टू हेल्प वर्ब नहीं है, इसको वर्ब मत मानिएगा, इसको आप लोग नाउन मानिए, ये संज्ञा बन गया है। ठीक, तो जिस वाक्य में सिर्फ एक वर्ब होता है वह वाक्य सिंपल होता है। तो इस तरह के भी आप लोग जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो कुछ सेंटेंस ऐसे पाएंगे, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर देख करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए, इसमें ये जरूर आता है। और इसके बाद कुछ सेंटेंस इस तरीके से आते हैं जिसका जिसे आप रूल फिफ्थ के अनुसार समझ सकते हैं। ठीक, रूल फिफ्थ है कि जब दो में से किसी एक वाक्य में ग्लैड आया हो या प्लीज्ड आया होगा या सैड आया होगा, ठीक, या हैप्पी आया होगा, ठीक, दो में से किसी एक वाक्य में इन चारों में से कोई एक शब्द आया होगा और दूसरे वाक्य को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता होगा कि उस वाक्य की वर्ब एक कारण बता रही है कि आखिर प्रसन्न है तो इसीलिए प्रसन्न है, दुखी है तो इसीलिए दुखी है, तो तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को इन्फिनिटिव के द्वारा ही जोड़ा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब दो में से ठीक ना किसी एक वाक्य में ग्लैड सैड हैप्पी प्लीज्ड होगा और दूसरे वाले वाक्य में इसका कारण प्रकट होता होगा कि आखिर ग्लैड है तो इसीलिए है, सैड है तो इसीलिए है, तो तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को ना
इन्फिनिटिव के द्वारा ही जोड़ा जाएगा, और जोड़ते समय ग्लैड, सैड, हैप्पी, प्लीज वाले सेंटेंस को सबसे पहले उतार देना होगा और अगले वाक्य की क्रिया को इन्फिनिटिव बना करके दोनों को जोड़ देना होगा। एक क्वेश्चन के आधार पर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए है सेंटेंस आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना, आगे है आई वाज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था, ठीक। मैं समाचार, आई हर्ड द न्यूज का मतलब मैं समाचार सुना, और दूसरा है आई वाज वेरी ग्लैड, मैं तो बहुत खुश हो गया। देख रहा हूं कि दो में से एक सेंटेंस में ना ग्लैड आया हुआ है, आया है नहीं आया है, देखो एक ग्लैड है सेकंड सेंटेंस में, और बहुत खुश था, क्यों खुश था, समाचार सुना था, ठीक, खुशहाली का कारण समाचार सुनना था। अब समाचार चाहे जैसा रहा हो, ठीक है, वो नहीं दिया गया है, लेकिन वो खुश थे तो उसका कारण था यही समाचार सुनना, सुनना कारण था। तो उस वाक्य में ग्लैड है और इस वाक्य की क्रिया कारण बता रही है कि ग्लैड मतलब प्रसन्न हूं, तो क्यों प्रसन्न हूं। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं पर आए तो तुरंत समझ जाओ कि इन वाक्यों को इन्फिनिटिव के द्वारा ही जोड़ा जाएगा, किसी और विधि के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जोड़ते समय ना जिस वाक्य में ग्लैड है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि उस ग्लैड वाले सेंटेंस को पहले लिख लिया जाएगा, तो आई वाज वेरी ग्लैड, और इन्फिनिटिव अगले जो कारण बताने वाली वर्ब है उसको इन्फिनिटिव बनाएंगे, तो कारण ए हर्ड बता रहा है, तो हर्ड ए सेकंड फॉर्म है, हर्ड का फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को याद है हियर होता है, एच ई ए आर, इसको फर्स्ट फॉर्म में मोड़ेंगे और उसी के पहले टू लगा देंगे तभी तो इन्फिनिटिव बनेगा। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले टू, उसके बाद आगे जो करते हैं सब उतार देंगे द न्यूज। अब इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसकी हिंदी बनेगी कि मैं समाचार सुनकर बहुत खुश था। अब ध्यान से सुनने वाले बच्चे जरूर सोचने लगते हैं कि इसकी हिंदी निकाला जा रहा है, आ रहा है कि मैं समाचार सुनकर बहुत खुश था। सोच रहे हो कि गुरुजी जो हिंदियां निकाल रहे हैं ना, तो इन्फिनिटिव की पहचान तो अंत में नानेनी होता है बताए थे, लेकिन यहां पर तो कर जा रहा है, वहां से कर निकल रहा है सुनकर, तो सोचोगे कि इसको तो पार्टिसिपल होना चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपल की पहचान होती है कर करके हुए, और बनाया गया इन्फिनिटिव है, ठीक। तो एक चीज हमेशा नोट करना, एक कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और यही सब मिस्टेक हिंदी निकाल करके करके आते हैं, ठीक। तो इसके पीछे रूल होता है कि अगर ग्लैड हो, सैड हो, हैप्पी हो, प्लीज हो, तो इसके बाद कोई भी वर्ब लिख रहे हो, ठीक, तो हिंदी पर मत जाओ, भले मुंह से कर करके हुए निकल रहा है लेकिन वो इन्फिनिटिव ही लिखा जाता है, ठीक। हिंदी के चक्कर में पड़ोगे तो यहां पर गलत करके आ जाओगे। तो रूल यही होता है कि अगर ग्लैड, सैड, हैप्पी, प्लीज्ड के बाद कोई ऐसी वर्ब आ रही हो जो कारण प्रकट कर रही हो, ठीक, मतलब उस ग्लैड, हैप्पी, सैड, प्लीज का कारण दर्शा रही हो, तब उस ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, सैड के बाद में हमेशा इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव के रूप में आएगी वो,
कभी भी पार्टिसिपल के रूप में नहीं आएगी। तो इस तरह का इसका सिंपल बन गया, मैं बहुत प्रसन्न था समाचार सुनकर। तो यही एक वर्ब है और एक टू हियर इंफिनिटिव के रूप में है, और इंफिनिटिव का मतलब आप लोगों को बता चुका हूं कि ये नाउन का कार्य करता है, इसीलिए पूरे ग्रामर में इसको नाउन माना जाता है। तो पूरे सेंटेंस में एक वर्ब आ गया, ठीक, और एक वर्ब का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक। तो ये आप लोगों का इन्फिनिटिव हो गया। ये फाइव रूल्स आप लोगों को इन्फिनिटिव में मैंने बताया, और निश्चित रूप से जान लो कि फाइव रूल्स आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद किसी भी प्रकाशन की बुक लेकर के बैठोगे, ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ठीक। और इसी के बाद सिंपल वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाने की जो तीसरी विधि है उसके बारे में हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक। तो तीसरी विधि जो है वो आप लोगों का इसको जो नाम नेटिव और सब्जेक्ट है इसके बारे में डिस्कस हम इन द फोर्थ पार्ट ऑफ सिंथेसिस करेंगे।